स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश यानी अंग्रेजी 6 to 8 का एग्जाम जो हुआ है बीपीएससी टीचर के द्वारा 10 दिसंबर 2023 के उसके पेपर के आंसर की को देखेंगे और जल्दी ही इसी के आंसर की के बाद अब एक वीडियो सॉल्यूशन लाएंगे जिसमें प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट वन को। पार्ट वन है हमारे पास लैंग्वेज। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए आपको ब्लैंक स्पेस को ए एन द सुटेबल आर्टिकल का यूज करके भरना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 डैश ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 राजन इज सेलेक्टेड एज डैश एमबीबीएस डॉक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एन, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रॉसरी स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, तो लेदर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टिनेंट। इनमें से कौन एक कॉन्टिनेंट है, तो अरब एक कॉन्टिनेंट नहीं है, सॉरी नहीं है, आपको बताना था अरब कॉन्टिनेंट नहीं होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इफ इट इज मे देन प्रीवियस मंथ। आपको प्रीवियस मंथ बताना है, तो प्रीवियस मंथ हो जाएगा आपका अप्रैल, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर स्प्रिंग कम्स बिफोर। स्प्रिंग आता है किसके पहले, तो इनमें से जो भी ऑप्शन है ये सब गलत है, तो राइट आंसर इसका नन ऑफ द एबव ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वी कॉल 7 नंबर है क्वेश्चन नंबर व्हाट वी कॉल फादर ऑफ आवर मदर। तो इन्हें कहा जाता है आपका मैटरनल ग्रैंड फादर, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज, तो इन्हें कहा जाता है आपका नीस, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है भाषा संस्कृत की किस धातु से बना है, तो भाषा संस्कृत के भास शब्द से बना हुआ, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रशर शर्मा गुलेरी ने किया है, सी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अभ्रंश से, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है धीरेंद्र वर्मा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर पश्चिमी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है आपको सौरसेनी से, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 115 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो इसका प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 116 हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो इसकी इनकी संख्या 5, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, इसमें बूंद बूंद क्या है, तो इसमें बूंद बूंद हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण होता है, ए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही आपका बिहारी भाषा की उपभाषा है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर मैथिली बोली के कवि है, मैथिली बोली के कवि कौन है, तो विद्यापति है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है, अवधि भाषा का जो लोकप्रिय महाकाव्य है वो है रामचरित मानस, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में है य ध थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है, आपको ध्वनि महाप्राण बताना था, तो इनमें से एक से अधिक में ध्वनि महाप्राण हो रहा है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो इसमें अनुस्वार जो कहे जाते हैं ये होते हैं स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है, तो इनमें प्रयुक्त शब्द जो है ये हो जाएगा अल, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर किस समास में अंतिम प्रधान होता है, तो इनमें प्रधान शब्द है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है अंतिम पद, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर अनेकार्थक शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, टीका का जो सही नहीं है ये हो जाएगा पार्श्व, ए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कर्ण चिन्ह तथा शून्य किन शब्दों के अनेकार्थक शब्द है, तीन में से कोई नहीं है, ई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो इनमें से हिंदी में ह्रस्व स्वर है अ और ई में, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन
आपका केवल और केवल ख और घ में है, तो ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन है, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन आपको इनमें से किसी में भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राज्यभाषा कब स्वीकार कर लिया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरह से पार्ट वन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिस जो कि क्वालिफाइंग पेपर था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है क्वालिफाइंग पेपर में, क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग पार्ट टू देखेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे बीपीएससी टीआरई 2.0 के जितने भी पेपर हैं सबका आंसर किया आएगा, और आगे चल के वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। इसी चैनल पे आपको एस्टेट सीटेट जितनी भी चीजें हैं उनकी सारे सॉल्यूशन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पार्ट टू हम लोग देख लेंगे जनरल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, आपको बताना है कि प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इनमें से आपका -7 नहीं हो, 7 -0.7 और 1.7 ये नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100 रुपए अधिक पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा, साइकिल का लागत मूल्य क्या है, तो साइकिल का जो लागत मूल्य है वो हो जाएगा 2500 रुपया, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 में आपको ज्ञात करना है कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए, ये क्वेश्चन है आपका। तो विद्यार्थियों द्वारा जो पेड़ लगाए गए उनकी संख्या है 312, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5.2 और 9.-2 के समान दूरी पर है, तो ये बिंदु हो जाएगा 0.-7, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एक ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसमें ए बी है आपके पास 16 सेंटीमीटर, बीसी है आपके पास 12 सेंटीमीटर, एसी है 20 सेंटीमीटर, तो आपको ट्रायंगल एबीसी बताना है कि कैसा ट्रायंगल होगा, तो ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर, कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या उसका जिसका टर्मिनेशन नहीं होता है, ये ए में ही है हो रहा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है बिना मतलब का, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 रुपए की वृद्धि की, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो एन का वैल्यू आपको बताना था, तो एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10, आप लोग बताइए कि क्या किया है इसमें, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, एक समकोण त्रिभुज के आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना था, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो 336 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, एक बरसाती दिन में क्या होता है, तो आपका शुष्क बल्ब तापमापी आद्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो वायुमंडलीय प्रदूषक आपको माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है अपचयन, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये बताना है, अल्फा किरण हो जाएगा इसका सही आंसर, बी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के 9वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती होता है एन स्क्वायर के, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों या पद में CO2 का निष्पादन होता है, तो ये टोटल आपके 3 पदों में होते हैं, 3 स्टेज में होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है नेफ्रॉन, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, टैकिकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है, तो टैकिकार्डिया में हृदय की गति तेज हो जाती है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर, आपको कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है, तो इसमें जो सही कथन है वो हो जाएगा आपका चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम ठीक से नहीं किए, ये सब ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा चंद्रयान
पर उतरने वाले देशों की सूची में भारत चौथा स्थान पर रहा, ये हो जाएगा। तो इनमें से सही जो हो जाएगा वो केवल तीन, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था राम सुतार जी ने, ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश उन तीन देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, आपको ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? आपको पैनल में कौन नहीं था ये बताना था। तो इनमें से न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा नहीं थे, ये हो जाएगा सही आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो ये आपके बने थे आदिति स्वामी जी बने थे, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 52 नंबर, आजाद दास्ता की स्थापना किसने की? तो आजाद दास्ता की स्थापना कोई और नहीं जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53 नंबर, भारत में नमक आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भारत में नमक आंदोलन अप्रैल 1930 में हुआ था, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 54 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर की को दिया है स्वीकृति? तो ये है आपका उड़ीसा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु लाया गया? तो इसको लाया गया था रिक्टर पैमाना को लाया गया था, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निचालन प्रक्रिया संबंधित है, तो एक से अधिक से संबंधित है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कितने राज्यों के साथ कॉमन बॉर्डर यानी कि सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के द्वारा साझा किया जाता है? तो ये टोटल आपका किया जाता है 7, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान होता है, ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? तो आपका इनमें से जायद की फसल जो है वो है तरबूज, सी हो जाएगा। मगध एवं अंग के मैदान किसके हिस्से में है? तो मगध एवं अंग के मैदान आपके मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में आते हैं, बी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंस रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को भारत आने के लिए उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो ये कोई और नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, लेकिन इसके सही आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। 64 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, बी हो जाएगा सही आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपका होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 66, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया था? तो एक से अधिक इनमें से हो रहा है सही आंसर, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो नील दर्पण नाटक आपको बताना था कि किसने लिखा था, तो दीन बंधु मित्रा ने लिखा था, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो ये कोई और नहीं थे, सचिदानंद सान्याल थे, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? आपको बताना है कि गया अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1922 में, ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 70 नंबर,
राष्ट्रवादियों के लिए दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो ये आपका चालू हुआ था, ये हुआ था 1931 में, बी हो जाएगा सही आंसर। इस तरह से दोस्तों हमने पार्ट टू को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हिंदी व्याकरण और साथ ही साथ ये सब भी आ रहे थे जनरल स्टडीज के। पार्ट थ्री हम लोग देखेंगे इंग्लिश इंग्लिश के। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से 95 के लिए आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। पैसेज वन है हमारे पास, इस पैसेज को पढ़ने के लिए हम स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। ये रहा आपका पैसेज, कंप्लीट पैसेज ये रहा, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। ये कंप्लीट पैसेज रहा, हम लोग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पैसेज का। हम लोग देख लेते हैं सीधे आंसर की। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन में कहा जा रहा है द राइटर राइट्स हिज लेटर इन, राइटर राइट्स हिज लेटर इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन्ग हैंड, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास हिज फर्स्ट लेटर वॉज रिटर्न टू हिज, किन्हें लिखा गया था? तो ये लिखा गया था पेरेंट्स, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हिज लेटर डब्ल्यू रिजेंबल्स हिज मदर्स हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, ये सारा क्वेश्चन आपका पैसेज से पूछा गया है। 74 74 नंबर क्वेश्चन है द लेटर्स ऑफ हिज पेरेंट्स डैश्ड देयर लाइव्स टू ईच अदर, इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क्राइब्ड, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 द लेटर्स डिपिक्टेड द डैश हिज पेरेंट्स लिव्ड इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला पैसेज हमारे पास पैसेज नंबर 2 है, ये आपका पैसेज रहा, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑर्थर द नेचुरल एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर ऑफ इन्फांट्स इज, तो ये हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्टेड इन एवरी सोसाइटी, ए। अगला क्वेश्चन है 77 देयर आर फ्यूअर एंड लेस कॉम्प्लेक्स डेंजर फॉर इन्फांट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन प्रिमिटिव रूरल कल्चर, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 78 पेरेंट्स आर एक्स्ट्रा केयरफुल इन प्रोटेक्टिंग देयर स्मॉल चिल्ड्रंस बिकॉज, क्यों ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के फेयर में लगते हैं? तो ये हो जाएगा द इन्वायरमेंट इज नॉट नेचुरल, सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 79 द नेचुरल एक्सप्लोरेटरी अर्ज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इज इसेंशियल टू, तो ये आपका इसेंशियल होता है ग्रास्प एंड मास्टर द इन्वायरमेंट, ए हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर द ऑर्थर साउंड्स, ऑर्थर साउंड आपका हो जाएगा इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव, ये सारा क्वेश्चन है आपका पैसेज से। अगला पैसेज हम लोग देख लेते हैं पैसेज नंबर 3। पैसेज 3 थोड़ा बड़ा है, स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं आपके लिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पैसेज का। ये चालू हो जाता है आपका पैसेज, थोड़ा और स्क्रीन छोटा कर देते हैं हम, ये पैसेज रहा। हम लोग सीधे आंसर की को देखेंगे, आप लोग देखिए आंसर की और बताइए कि कौन कौन सा सही आप कर रहे हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग ऑपरेटेड ऑन, तो ये हो जाएगा इसका इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन मॉडर्न सर्जरी, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 82 सर्जन्स इन अर्ली ईयर्स ऑफ दिस सेंचुरी कंपेयर्ड विथ मॉडर्न वंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हायर्ड लेस टू लर्न अबाउट सर्जरी, ए। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी हैव बीन पॉसिबल, क्यों ये पॉसिबल हो पाया है? तो ओनली इन द लास्ट 50 ईयर्स, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 मॉडर्न सर्जन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आर अबिलोंग टू स्पेशलाइज मोर देन देयर प्रिसिडेंसर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर इन मॉडर्न सर्जरी यू कैन एवर रिमूव ए पोर्सन ऑफ योर ब्रेन, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला पैसेज है हमारे पास पैसेज नंबर 4। इस पैसेज को आप पढ़ने के लिए आपके पढ़ने के लिए हम स्क्रीन को छोटा कर देते हैं, यहाँ से आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हम लोग आते हैं सीधे आंसर की पे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 86 अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन इन ए पर्सन हु, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका नेवर ईट्स एनी एनिमल प्रोडक्ट, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 87 प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है क्यों? तो प्रोटीन आपका जो सही आंसर है इनमें से पैसेज में से वो मोर देन वन ऑफ द एबव इनमें से सही हो रहा, डी हो जाएगा सही आंसर।
88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, वी फील वीक व्हेन वी गो टू विदाउट मीट, तो इसमें 88 का सही आंसर हो जाएगा बिकॉज वी डोंट गेट एनफ प्रोटीन, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 89, प्रोटीन्स आर बिल्ड अप फ्रॉम, प्रोटीन आर बिल्ड अप फ्रॉम अबाउट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 90, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पासेज, साइकोलॉजिकली लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन निज्म में नॉट बी डिजायरेबल बिकॉज, तो ये क्यों होता है, ये हो जाता है आपका द बॉडी मस्ट प्रोसेस टू मच वेस्ट, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पैसेज फाइव को हम लोग देख लेते हैं। पैसेज फाइव है आपके लिए, आपके सुविधा के लिए हमने स्क्रीन को छोटा कर दिया है, यहाँ से आप पैसेज को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। हम लोग देखते हैं आंसर की 91 का, 91 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर दीपक गुप्ता गेव द ज्वेलरी टू, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 92, मिस्टर गुप्ता वांटेड द वेटर टू गिव द ज्वेलरी टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द ओनर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 93, व्हाई डिड मिस्टर गुप्ता गो टू रेस्टोरेंट, मिस्टर गुप्ता रेस्टोरेंट क्यों गए थे, तो टू हैव ए कप ऑफ टी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, वेयर डिड मिस्टर गुप्ता लीव हिज कोट, इसका सही आंसर हो जाएगा नियर द डोर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, द मिस्टेक वॉज मेड बाय, इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा ई इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96-97 के लिए डायरेक्शन दिया है, आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अल्टरनेटिव्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 96 है एरोमा, एरोमा का जो सही मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेग्रेंस, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है रिवाइव, रिवाइव का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ब्रिंग बैक टू कॉन्सियसनेस, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन 98 से 100 के लिए, आपको मीनिंग चूज करना है इडियम्स या फ्रेजेस में से जो भी आपके स्टेटमेंट दिए हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है एन ओल्ड हैंड, एन ओल्ड हैंड का सही आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट, सी। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, हर्ट एंड सोल, तो हर्ट एंड सोल आपका हो जाएगा ईगरली, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, बेड ऑफ रोजेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरी इजी, ए। अगला हमारे पास क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है 100 से 102 तक के लिए, एंटोनिम्स आपको चूज करना है जो भी स्टेटमेंट जो भी वर्ड्स हैं उनके लिए। तो हमारे पास पहला वर्ड है डिफेंड, डिफेंड का हो जाएगा आपका ऑब्लिगेंट, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्राउड, प्राउड का आपको एंटोनिम बताना है, प्राउड का आपको एंटोनिम बताना है, तो प्राउड का एंटोनिम जो हो जाएगा इनमें से एक से ज्यादा हो रहा है प्राउड का एंटोनिम, तो ये हो जाएगा डी। आप लोग बताइए इनमें से कौन कौन सा प्राउड का एंटोनिम हो रहा है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स करना है सुटेबल चॉइस से, तो 103 नंबर क्वेश्चन में है ही क्लाइम्ड द ट्री एंड प्लक्ड ऑल द मैंगोज डैश हिज रीच, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका विद इन, सी। अगला क्वेश्चन है 104 से 105 नंबर के लिए हमारे पास डायरेक्शन दिए गए हैं, चूज करना है करेक्ट वर्ड्स और सेंटेंस को फिल करना है। 104 नंबर क्वेश्चन है आई विल नॉट डैश दिस रूडनेस, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बियर, बी। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, डैश द फादर गोज हिज डॉग फॉलोज, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेयर एवर, ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 को फिल करना है आपको अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव से। क्वेश्चन है नो सूनर डिड द इरियर स्टूडेंट सी हिज स्कूल प्रिंसिपल्स देन ही डैश, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा टुक टू हिज हील्स, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, फिल करना है ब्लैंक स्पेस को अल्टरनेटिव से, द फर्नीचर इन दिस हाउस डैश बीन रिप्लेस्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन अबव, डी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग 108 से 109 के लिए देख लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना है। 108 नंबर क्वेश्चन है वन हु डज नॉट मेक ए मिस्टेक, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनमें से एक से अधिक हो रहा है सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, ए लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैटेलॉग, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 110 नंबर, चूज करना है सेंटेंस जो कि कंसिडर होते हैं आपके, करेक्ट वर्ड्स आपको चूज करना है इसमें से, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं हो रहा है, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, फिल करना है ब्लैंक स्पेस को फॉलोइंग अल्टरनेटिव से, ही डज नॉट सफर फ्रॉम डैश अलाइनमेंट एट ऑल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा क्रोनिक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 112, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेट इन द फॉलोइंग चॉइस, फ्रेट का आपको सही मीनिंग बताना है, तो ये हो जाएगा आपका वरी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, फिल करना है ब्लैंक स्पेस को अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, जो भी चॉइस है आपके पास उन्हीं से, तो इसका हो जाएगा हैड, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 114 और 115 के लिए, एंटोनिम चूज करना है आपको गिवन वर्ड्स के लिए, तो ट्रू है 114 नंबर में, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका अनट्रू भी हो जाएगा फॉल्स भी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव डी। अगला क्वेश्चन है 115 स्लेव, तो स्लेव का जो एंटोनिम हो जाता है वो हो जाता है स्लेव का एंटोनिम आपका मास्टर, ए हो जाएगा। डायरेक्शन है हमारे पास 116 से 119 के लिए, आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, तो क्वेश्चन नंबर 116 है चिल्ड्रन डिसलाइक डैश एंगर ऑफ देयर पेरेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 117 डैश कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द आर्टिकल लग जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 118 नंबर, ए ईयर अगो आई विजिटेड डैश आईलैंड, तो डैश आईलैंड में है डी आपका मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 119 स्टरडे आई सॉ डैश वन आइड मैन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 120 नंबर, चूज द करेक्ट डिग्री टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करेक्ट डिग्री फाइंड यहाँ पे फिल करना है, ही इज डैश इन हिज स्कूल, तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उससे पहले है कि डायरेक्शन 121 से 124 के लिए चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करने के लिए ब्लैंक स्पेस को, हमारे पास 121 नंबर क्वेश्चन है ही गेव मी एनीथिंग आई आस्क डैश, तो इसका सही आंसर हो वो हो जाएगा फॉर बी। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, सी इज डीफ डैश वन ईयर, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए इन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 123 द स्टूडेंट्स मस्ट असेंबल्ड एवरी मॉर्निंग डैश टाइम, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 124 नंबर, माई स्कूटर फील डैश द रोड, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑन बी सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 125 से 127 के लिए डायरेक्शन है आपको वर्ब से सही भरना है, करेक्ट यूज करना है वर्ब का, मच ऑफ योर लेबर डैश वाइड ऑफ द मार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा इज बी। अगला क्वेश्चन है 126 आइदर ऑफ दिज पेन्स डैश गुड एनफ फॉर मी, इसका सही आंसर है इज हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 127 नाइदर ऑफ दिस बॉटल्स डैश फुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला हमारे पास डायरेक्शन है 128 से 130 के लिए आपको सुटेबल कंजंक्शन फिल करना है ब्लैंक स्पेस में, 128 नंबर क्वेश्चन है आपके पास वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिस्ट। 129 नंबर हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल डैश द बेल रैंग, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका वेन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर द बस कंडक्टर शाउटेड डैश ही हैड गॉन मैड, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी एज इफ। आगे हमारे पास डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 131 से 133 के लिए, ब्लैंक स्पेस को फिल करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 131 इट वाज द डैश मोमेंट ऑफ माय लाइफ, तो कौन सा मोमेंट है, तो ये हो जाएगा प्राउडेस्ट मोमेंट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 132 नंबर क्वेश्चन में है आपको क्या करना है, 132 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है आई विल नॉट गो विथ यू डैश यू पुट ऑन डिसेंट क्लॉथ्स, आपको फिल करना है ब्लैंक स्पेस को, तो इसका हो जाएगा अनलेस ए। अगला क्वेश्चन 133 आई कीप हिम ऑक्यूपाइड डैश हिज माइंड डज नॉट वांडर टू हिज नेटिव विलेज, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सो डैट सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 से 36 के लिए डायरेक्शन दिया है करेक्ट फिल करना है वर्ब को, 134 नंबर व्हेन आई कॉल योर नेम प्लीज डैश आउट ऑफ द क्लास, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा गो सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 135 वी विल डैश बी फॉर ए हॉलीडे नेक्स्ट वीक, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका गोइंग सी। अगला क्वेश्चन 136 द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर डैश बी इटेन बाई रैट्स, तो
तो ये हो जाएगा आपका विल, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 137, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रिंग, रिंग का पास्ट टेंस क्या होगा, तो रिंग का पास्ट टेंस हो जाएगा रैंक्ड। अगला क्वेश्चन है 138, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस, स्ट्रंग का प्रेजेंट टेंस, बहुत ही सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन है, तो स्ट्रंग का हो जाएगा प्रेजेंट टेंस स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, द वर्ड ट्वाई इन दिस फ्रेज, टू ट्वाई विद द आइडिया इज ए, क्या होगा इनमें से, तो इनमें से हो जाएगा वर्ब, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 140, द वर्ब फ्रॉम फॉर्म ऑफ प्रोफेंसी, इसका क्या हो जाएगा आपका वर्ब फॉर्म, तो इनमें से एक से ज्यादा होगा डी हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या क्या होगा इनमें से। 141 से 42 के लिए आपका डायरेक्शन है, आपको ब्लैंक स्पेस को भरना है करेक्ट वर्ड और फ्रेजेस से। क्वेश्चन नंबर 141, रमेश इज द डैश ऑफ ऑल द बॉयज, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा क्लेवरेस्ट ए। आगे है हमारे पास 142 नंबर, सी डैश हर होमवर्क सो सी इज वॉचिंग टेलीविजन नाउ, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हैज डन सी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143, फिल करना है ब्लैंक स्पेस को विथ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब से इसको फिल करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉम डैश टू हेल्प, इसका सही आंसर हो जाएगा हैज ट्राइड। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन इन द वर्ड, आपका है कोलकाता इज ऑन द हुगली, हुगली पे है कोलकाता, तो हुगली एक जगह है तो नाउन हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं हो रहा है आंसर, इसलिए ये हो जाएगा नन ऑफ द एवम ई। अगला क्वेश्चन है आपके पास 145, फिल करना है ब्लैंक स्पेस को करेक्ट एडवर्ब से, आपको जो भी सेंटेंस में है द नाइफ फॉट डैश, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव डी। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, चूज द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, चॉइस से आपको करेक्ट फ्रेज पहचानना है, इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हैज बीन रेनिंग सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 147, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्टिव वॉइस बाय चेंजिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस, माई अपेंडिक्स वॉज टेकन आउट बाई माई डॉक्टर, इसमें आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे हम लोग देखते हैं 148 नंबर, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप, पास्ट टेंस स्लीप का बताना है, तो इसका सिलेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉरगिव, फॉरगिव का पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है फॉरगिवन, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, पंक्चुएशन मार्क करेक्ट चूज करना है, व्हाट ए लवली व्यू यू हैव हियर डैश, इनमें से करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स जो है ये हो जाएगा आपका ए, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड हो रहा है इसलिए इसका करेक्ट जो है